सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी पहली कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। देर लगेगी मगर सही होगा, जो तुम चाहोगे वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार ईमानदारी से खुद के चरित्र में झांक लेना चाहिए। आज का पंचांग 15 मार्च 2020 दिन रविवार, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, वह 3:19 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र सुबह 11:23 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 4:36 से 6:07 तक रहेगा। आज का विजित मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:46 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 15 मार्च 2020 दिन रविवार, हाल में किए गए मूल्यांकन ने आपको खुद के विश्लेषण और आत्मनिरीक्षण के मूड में छोड़ दिया है। उन उत्तरों की खोज के लिए समय निकालें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। अपनी समझदारी से आपको भविष्य में धोखाधड़ी या ठगी से बचने में मदद मिलेगी। इस क्षण का आकर्षण आपको दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। अपने प्रयासों के कारण आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। कड़ी मेहनत के बाद अब आनंदित होने का समय आ गया है। इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उत्साह का होना ही सफलता प्राप्त करने का मुख्य रहस्य है। परिवार के बुजुर्ग तथा समाज के सम्मानित व्यक्तियों का आपको साथ मिलेगा और उनके संरक्षण में आप काफी अच्छे कार्य करेंगी, जिसके कारण न केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको उन्नति प्राप्त होगी। फिर भी आपको कुछ समय स्वयं के लिए भी निकालना चाहिए ताकि आप सुकून का अनुभव कर सकें। सामाजिक मेल जोल और कामों में सक्रिय रहने का दिन है। किसी काम के चलते कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। आज अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई निर्णय लेने से पहले किसी से सलाह कर लें। आज का दिन अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई कदम उठाने के लिए अच्छा है। सावधानियां। संतान को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, जिससे मानसिक अशांति तथा तनावपूर्ण स्थितियां देखने को मिल सकती है। समय और परिस्थिति के अनुसार घर परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना आवश्यक होता है। लव लाइफ की बात करें तो रिश्ते में मिले धोखे से आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और तन्हाई में वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन चिंता न करें, जल्दी ही आपके जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत होगी जो जीवन भर का साबित हो सकता है। आज आपका सारा काम अच्छे से बनेगा और अब समय आ गया है पार्टी का और शांति प्रवृत्ति के कारण इस राशि के जातक अन्य लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। करियर की बात करें तो आज अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें और शारीरिक संयम बनाए रखें। याद रखें जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन अपने प्रयासों से आप उन पर विजय पा सकते हैं। आप चाहे या ना चाहे, लेकिन आज आप सबके आकर्षण का केंद्र बने रहेंगी। कड़ी मेहनत के बाद अब समय है कुछ देर सांस लेने का और मजे करने का। ग्राहकों की सेवा करके आप अपने बारे में अधिक जान पाएंगी। सेहत की बात करें तो आज आपका लक्ष्य व्यायाम होगा। इसका मतलब यह है कि आज आपको व्यायाम करने की जरूरत है, जो कि आप बहुत दिनों से नहीं कर रहे थे। अगर आप हिलने डुलने का काम नहीं करेंगे तो आपकी सेहत खराब हो सकती है।
आज जिम जाए और जब तक पसीना ना निकले रुके नहीं, ऐसा करने के बाद आपको खुशी होगी। आज का उपाय, आज आप तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें फूल डालकर सूर्य देव को अधैर्य दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।